सर सामने आ गए आयुष्मान सर सामने सर सर आयुष्मान सर We need to make a special announcement. We regret we will not be hosting the signing of the coffees due to the unavailability of space and the space constraints with the media attendance. Kindly note there will be no signing of the coffees. Thank you. हर्षा रिलीज हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महीने के अंदर इतनी ज्यादा किस्मत किसी की नहीं पलटी। मैंने बोला कि हर शुक्रवार हर एक अलग परसेप्शन बन जाती है इस इंडस्ट्री में और मैं आई एम ग्लैड कि आखिरी शुक्रवार मेरा था। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मुझे ये बोला था कि इतने कम समय में एक महीने के अंदर किसी की किस्मत का फेरबदल इतना बड़ा नहीं होता। सो आई थिंक एज ए सेट की इस किताब के अंदर मैंने अपने सक्सेस के लिए दोनों के बारे में लिखा है एंड आपको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। आपकी काफ़ी मेहनत रही है, काफ़ी आपकी शिद्दत रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप अपने लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपने यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। ऐसा कभी हुआ नहीं है। अभी मेरी उम्र कम ही है, मैं होप करता हूँ 30 का हूँ और मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई है थॉट ऑफ गिविंग अप और खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आए। लेकिन सेल्फ डाउट जो है वो कभी क्राफ्ट पे नहीं हुआ। मुझे डाउट शायद अपनी चॉइसेस पे फिर भी हुआ था। मैंने बोला था कि यार शायद क्रिटिक्स ने मेरे काम की तारीफ तो की है, शायद मेरी पिक्चर नहीं चली, लेकिन हाँ बट सेल्फ डाउट कभी नहीं हुआ। Yeah, I was 67 that time, she was 87 and I picked her up and ek body double bhi tha wahan par, usse wo utha hi nahi gayi to sare main bol sakta hu main apne stunts khud karta hu. You know how it is, but natural when a person is doing well in life, there are a lot of people who pamper you and they probably will not find any fault in you, and there are a lot of people who probably not even tell you about what's going wrong or not. But I think I'm the only person in his life who's seen the struggle and I take him on the face value. If I tell him he's not looking good, then he's not looking good. I don't care. At times just right now before coming, I think he and the entire staff was there and everybody was saying he was wearing very nice shoes and I was there, no ways he was not looking nice at all. Way too critical because I wanted to do well in life. We were friends first and that's how we became husband and wife. And so I always want him to grow and become better. हमने जिंदगी में बड़ी लड़ाइयाँ की हैं। No, actually, so it was good to kind of have arguments and all of them were creative arguments, so it brought out the best in each other. And predominantly our arguments and fights is, it just helps us grow. So I think it's but natural and we help each other grow, and that's beautiful part of our relationship. Ayushman, there will not be separate bites for the media afterwards. So whatever we have to ask, you have to ask from here only. So the time lag for the bites is included here. Okay, Ayushman, is film mein sirf guidelines rahenge ya kuch bahut hi sensational cheez bhi aayegi andar? I think dono cheeze honge. गाइडलाइंस तो जरूर रहेंगी हमारी युवाओं के लिए जो अभी अपने बस्ते बांध कर मुंबई आ गए सपने लिए अपनी आंखों में, और कुछ सेंसेशन तो क्या होगा। आई थिंक मैं कुछ वही बोल रहा हूँ कि मैं बताने के लिए लिखा है, बेचने के लिए बुक नहीं लिखी है। मैं कुछ बताना चाहता था, कुछ कहना चाहता था कि शायद इस इंडस्ट्री में शायद 20 साल की उम्र में 12 साल किसने नहीं दिए होंगे इंडस्ट्री को। दैट्स व्हाट आई थिंक। ताहिरा,
आपको नहीं लगता आपके पति बहुत पतिव्रता है की कितने करियर में आज तक इनका कोई लिंकअप नहीं हुआ? पत्नी व्रत सुनिए ना सर, पतिव्रता खुद के लिए और पत्नी व्रता आपके लिए, क्योंकि खुद को काबू में रखना भी तो मुश्किल होता है। सेंसेशनल क्वेश्चन तो आपने पूछा है। सो नहीं, ही इज बीन अ डेडिकेटेड पर्सन एंड द फैक्ट कि हम एक दूसरे को बहुत स्पेस देते हैं एंड वी आर प्रीटी मच श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट अ रिलेशनशिप वेयर इट गोज। अगर मैंने एक्टर से शादी की होती तो मैं बहुत ही इनसिक्योर बीवी होती और शायद इधर ना खड़ी होती, आपसे बात कर रही होती, घर पे बस कोसरी होती है ना। बट जस्ट बिकॉज वी गाइस वेंट वे बैक बिफोर हिज एंट्री इनटू टेलीविजन, रेडियो और सिनेमा, तो दैट्स सीमेंटेड आवर रिलेशनशिप। वो जो हमने टाइम गुजारा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दैट रियली हेल्प्ड अस ग्रो। एंड ये पत्नी व्रता, माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, है मेरे लिए बिकॉज ही अपने आप तो ग्रो हो रहे हैं, मुझे पीछे नहीं छोड़ते। ही टेक्स मी अलोंग एंड बाय अलोंग आई डोंट मीन दैट आई बिकम हिज आर्म कैंडिडेट लॉट ऑफ फंक्शंस व्हिच आई डोंट, आई एम यूजुअली सीन विद हिम व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हेल्प्स मी ग्रो इन द सेंस। जैसे कि अभी इन्होंने मुझे कहा था ओके फाइन यू गो डू योर वर्क, आई वेंट टू UCLA फॉर अ स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स फॉर 10 डेज एंड ही वॉज बैक होम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। So he helps me grow and yeah, he's a nice guy. Arshman, आपके लिए difficult रहता है like to have like to be remain faithful? क्या बोलूँ मैं इसमें? So मैं तायर doubting my credentials, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं intelligent नहीं हूँ, strong भी नहीं हूँ। अच्छा, lastly मुझे बताइए, women empowerment आप कितना उसपे वो रखती हैं? विश्वास की हम लोग आजकल इतना देख रहे हैं सारी चीजें। आई थिंक व्हाट्स ब्यूटीफुल राइट नाउ इज दैट वुमेन आर गेटिंग द गट्स टू स्टैंड अप और बोल रही हैं। मीडिया है, मीडिया यूज कर रही है टू वॉइस देयर ओन ओपिनियन। मैं ज्यादा फेमिनिस्ट नहीं हूँ, सेक्सिस्ट भी नहीं हूँ, पर मैं इक्वालिटी में जरूर बिलीव करती हूँ। I think enough has been said about the video and on the social platform also, on the social media also, and I'm a huge Deepika fan. आयुष्मान एंड ताहिरा, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। उन्होंने अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, तो रिसेंटली स्मृति रानी भी गोवा में गई जहां उन्होंने चेंजिंग रूम में कैमरा पकड़ा है। सो आपको लगता है जिस तरीके से ये हो रहा है इससे वुमेन से बिल्कुल भी फील नहीं? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि चेंजिंग रूम में कैमरा पाए जाते हैं लेकिन होटल की एंट्री में कई बार मिसिंग हो जाते हैं कैमरा, वहाँ जहाँ सिक्योरिटी लैब्स ज्यादा हो जाते हैं वहाँ मिसिंग है और ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। इट्स क्वाइट आयरोनिक, इट्स वेरी सैड इन फैक्ट। Hello, thank you. हो गया सर, बहुत हो गया। Actually, hello, excuse me, I have got the mic. Hello, this time, hi, hello sir. Congratulations, cracking the code. You remember me? मैं बॉम्बे में पहली बार आया था और मुझे कोई पहली बार ये बोला था कि तू वो बंदा है जो बिगिनर्स लक है और तू फोड़ने आया बॉम्बे, और आपने मेरा पूरा शो देखा था और आपने मुझे गले लगाया था, इवन मेरा जैकेट भी पहना था। ये सिनेस्टार्स की कोच है, सिनेस्टार की कोच विशाल दुबे। जी विशाल दुबे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस शो में मैं मुझे रिजेक्ट किया गया था, आपको तो पता ही है सर, लेकिन आपका जो ऑडिशन था बहुत अच्छा था सर। अच्छा अच्छा, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं बस ये कहना चाहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों के लिए, और जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये जो इतने लकी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं मुंबई कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने कोई लेटर वेटर प्रिपेयर सब किया नहीं आपसे डायरेक्टली बात करने के लिए, बट पिछले तुम एक किताब लिखो पिछले छह महीने से सर, 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 पिछले छह महीने से मैं हमेशा बैग लेके आराम नगर टू एवरीवेयर घूमता रहता हूँ, बट एक मोमेंट के कहीं आपके मैनेजर का आपका नंबर मिल जाए और आपसे एक मुलाकात हो जाए, और आई मैंने फाइनली बुक परचेस कर दी, बट अपने फ्रेंड के लिए भी मैंने परचेस किया क्योंकि वी डिडंट हैव द मनी इनफ। सो बस सुनीता मेरी मैनेजर है। ओके डन सर, हाय सुनीता, थैंक यू सुनीता मैम, सर रिमेंबर मी ऑफ कोर्स, थैंक्स अ लॉट, कॉन्टेस्ट व्हिच वाज हेल्ड एंड बिग थैंक यू फॉर होस्टिंग द ऑनलाइन कॉन्टेस्ट मार्केटिंग कीरा एज़ वेल एज़ इवेंट प्रमोटर पर्ल जिराट अलोंग विद लैंडमार्क
I'd like to call upon the winners who are in attendance this evening to please come forward. We have the winning copies to be handed over by none other than Ayushman. So I'm going to call upon the names of the 10 winners. Those of you who are present here, please come forward to collect your copy. Lata Bhatt. Is Lata here with us? Congratulations, Lata. We have the copies here. Jaideep Chag. We don't have all the winners here with us. So we're calling upon the names and those present, kindly come forward. This is Lata with us, congratulations. Shraddha Vyas. Jaideep is here with us. Jaideep, congratulations. Ashish Chauhan. Here with us. Come forward, congratulations. Congratulations, Jaideep. Thank you very much for participating too in the contest. Also, big thank you to all those of you who participated online on the Guess Who contest. Alongside